पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र के पहड़िया गांव में मोहम्मद निसार अंसारी की 54 वर्षीय पत्नी बीबी हाजरा खातून की मानसिक संतुलन पिछले 20 वर्षों से सही नहीं होने के कारण इलाज के लिए दूर दूर ले जा रहे थे। इसी संबंध में यूपी के कचोड़ा शरीफ दरगाह में इलाज के लिए उनके पति के द्वारा ले जाया गया था और कुछ दिन बीतने के बाद 12 अगस्त को वापस लौटने के क्रम में अपने बहन और जीजा के घर समस्तीपुर जिला के मगरदही वार्ड 19 जाने के क्रम में ट्रेन अचानक खुल जाने के कारण हाजरा खातून उस ट्रेन में ही रह गई और लापता हो गई, जिसे काफ़ी खोजबीन के बाद भी कोई अता पता नहीं चल पाया। थक हार कर उनके पति पुलिस में भी इसकी सूचना दिए, परंतु वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने आम जनों से अपील किया है कि जो भी उन्हें कहीं देखे उनके फ़ोन कर सूचित करें। चूँकि 60 वर्षीय गरीब मजदूर निसार अंसारी का बुढ़ापे में बस एक ही सहारा उनकी पत्नी है। और कैसे लापता हो गई आपकी बीबी? हम यहाँ से जा रहे थे कचोटा शरीफ, तो यहाँ से बढ़िया से गए वहाँ तक, वहाँ भी इलाज के लिए जा रहे थे, तो कचोटा शरीफ से जब लौटे तो वहाँ से भी बढ़िया से आए। 12 तारीख को 7:15 बजे शाम को हमारा जब गाड़ी रुकी स्टेशन पर, तो हमारा आँख बंद हो गया था पहले, मतलब कि मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर के बीच में। उसके बाद जब हमारा आँख बंद रहा तो हमारी घर वाली अपने सही दिमाग हालात उसका ठीक नहीं था, वो हमको उठाई भी नहीं ना बोली कुछ, तो आदमी सब बोला समस्तीपुर आ गया। हम धड़फड़ा के उतरे नीचे, उतरने के बाद ऊपर से हम बेग उग सब फेंक दिए, उसको बोले चलो उतरो, तो बोला कि गाड़ी चल रही है, हम नहीं उतर पाएंगे। तो इसी में हम सामान समेटने लगे, वो आगे निकल गई। आगे निकलने के बाद हम उसी टाइम में आधा घंटा पौन घंटा के बाद गाड़ी आई, तो हम चले गए यहाँ क्या नाम है स्टेशन का, अगला स्टेशन ढूंढने के लिए नई पूर्णिया दरभंगा से आगे, और वहीं तक गाड़ी बन के जाती है जी। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, मिला नहीं? वहाँ जाने के बाद एक तो पुलिस को लिया, जो गाड़ी में गए थे वहाँ उसको खोजे, पीछे डब्बा में चढ़े, आगे डब्बा तक गए तो कोई कुछ नहीं, तो पुलिस वाले को बोले कि अब कैसे क्या होगा, बोले उसका कोई फोटो है तो दीजिए, हम टीवी में कर देते हैं और व्हाट्सएप कर देते हैं मोबाइल में। तो उनको खिंचा के आधार कार्ड, हमारे फोटो नहीं था हमारे पास, आधार कार्ड था, आधार कार्ड का फोटो खिंचा के दिए, दो चार को स्टेशन पर लगा दिए, एक तो पुलिस वाला को दिए, वो बोला कि हम टीवी में छोड़ देंगे और मोबाइल में भी छोड़ देंगे। अच्छा, वहाँ इलाज जो कराने गए थे, बोल रहे किनका इलाज कराने गए थे? अपनी बीवी का गए थे। अच्छा, उन्हीं का इलाज कराने गए थे, क्या 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 हुआ था? दिमागी हालत ठीक नहीं था, 10 साल से इलाज कराए थे, रांची भी गए, भागलपुर भी गए, किशनगंज भी गए, पूर्णिया भी गए, हर एक जगह इलाज कराए, तो गांव वाला बोला कि ये सब इलाज छोड़िए, आप इसको लेके चले जाइए आप कचोटा शरीफ, वहाँ इसका इलाज हो जाए। कचोटा शरीफ कहाँ पड़ता है? यूपी में। कचोटा शरीफ यूपी में पड़ता है, तो वहाँ कम से कम हम 22 रोज रहे हैं वहाँ कचोटा शरीफ में, ठीक रही हूँ वहाँ, सब कुछ ठीक। आपका क्या नाम है? मोहम्मद निसार। आपकी पत्नी का नाम? हाजरा खातून। क्या उम्र होगा उनका? उम्र 54 साल। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें Say24Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।